अंतिम पद से एनवा पद कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो यहाँ पे अंतिम में लिखा होगा उसको लिख लेना और माइनस फॉर्मूला देना, और यहाँ जो लिखा है उसे एक कम लिया, यानी 11 लिखा है तो 10 लिखना और गुना लिखना, और फिर इसमें यहाँ से 7 में से 10 घटा लेना जो -3 होगा। अब इसको कैलकुलेट करना, -62 माइनस और 10 गुने -3 करोगे तो -30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -62 प्लस 30 बराबर -32 इसका आंसर होगा। 53 लिखना जो यहाँ लास्ट में लिखा है, माइनस लाना, यहाँ 20 कह रहा है ना, 20वां पद तो एक कम लिख देना 19, और फिर इस 8 में से 3 घटा लेना 5। अब 253 में से 19 पच्चे 95 घटा लोगे तो 158 होगा दोस्तों। लास्ट में है उसको लिखो, माइनस लिखो, और फिर -8 में से -11 घटा 8 घट गया 3 है तो 3 लिखेंगे, या जो कॉमन डिफरेंस आया उसको लिखेंगे तो 49 में से 9 घट गया 40।